मैं बेवकूफ हूँ, मैंने कई गलतियां की और कई गुनाह भी किए, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं लीडर तो क्या, उसका पुरजा भी नहीं बन सकता। और ये बात मैं समझ गया हूँ, और मैं ये भी जान गया हूँ कि इस यूनिवर्स में मेरी क्या जगह है, मैं कौन हूँ और हकीकत में मेरा वजूद क्या है। मैं हूँ स्टारस्क्रीम, सेकंड इन कमांड और वफादार गुलाम लॉर्ड मेगाट्रॉन का। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया साउंड वेव। क्या ये सच है? स्टारस्क्रीम ने कभी नहीं बताया। अगर उसने फिर से कोई चालाकी की तो मैं उसे मसल कर रख दूंगा। स्टारस्क्रीम, लॉर्ड मेगाट्रॉन, रैकनिड आपके कान भर रही है, अब बताइए कौन सी बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। हार्बिंजर की बात। ये बात कैसे निकली? सदियों पहले डिसेप्टिकॉन्स की एक शिप इस प्लैनेट पर गिरी थी। अरे छोड़ो, पुरानी बात है, मैंने अर्थ पर आते ही उस शिप को पूरी तरह छान मारा था। फिर तो तुम्हें उस वक्त हथियार का एक नमूना भी मिला होगा, उसे हार्बिंजर शिप में ही ले जाया जा रहा था। वो शिप कहाँ गिरी थी? उसकी कोई भी जानकारी शिप के डेटाबेस में नहीं है। तुमने डिसेप्टिकॉन की शिप का पता कहीं लिखा नहीं? लिखा नहीं तो क्या हुआ मास्टर, उसका ठिकाना मेरे दिमाग में छपा हुआ है। रैकनेड को वहाँ ले जाओ ताकि ये उस हथियार को मेरे पास ला सके। मेरे लिए इतना आज्ञाकारी गाइड, क्या बात है। हाय पार्टनर, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा मिलता है। अगर तुम्हारे इस पार्क में तिनका भर भी जान हो तो वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्लिफ। ऐसा लगता है रोज़ एक नया डिसेप्टिकॉन सामने आ खड़ा होता है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ जानती हूँ तुम क्या कहते, चलो उनकी तादाद को कम करें। अगर हमारी दुनिया ऐसी ही है तो हम लड़ेंगे, और एक बात जान लो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगी। वैसे तुम्हारे व्हीकल मोड में इतना दम नहीं है। सिर्फ चिढ़ते ही रहोगे या फिर रास्ता भी दिखाओगे? मैं तुम्हें हार्बिंजर का ठिकाना तभी बताऊंगा जब तुम मुझे उसे हासिल करने का असली मकसद बताओगी। ये तो तुमने बहुत पते की बात पूछी, लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। ओ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए रैकनेड। मेगाट्रॉन के साथ जुड़ने से पहले मैं एनर्जॉन ढूंढने वालों का स्क्वाड्रन कमांडर था। साइबरट्रॉन पर पुरानी बातों की अब क्या अहमियत। मैं तुम्हें बता दूं, हाल ही में मैंने खुद ऑप्टिमस प्राइम के सबसे काबिल योद्धा को खत्म किया था, क्लिफ जंपर को। तुमने ऑटोबॉट को मारा है? हाँ मारा है, वो भी बेरहमी से। ओ, मेगाट्रॉन तुमसे ज्यादा रहम दिल निकले क्योंकि उन्होंने तुम्हें माइंड में खत्म नहीं किया। क्या उन्होंने तुम्हें ये बात बताई? हाँ बताई। टूटी हुई शिप हमारे कदमों के नीचे ही है, हमें जमीन में जाने का रास्ता चाहिए। दिखावा करती है। जाओ देख लो, मैंने खुद सालों पहले इस जगह की छानबीन की थी। ये क्या कर रही हो? कार्गो की लिस्ट देख रही हूँ,
मेरे ख्याल से तुम इसकी छानबीन करना भूल गए थे। बेवकूफ, ये शिप पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। इसके शुरू होते ही ऑटोबॉट्स इसका सिग्नल पकड़ लेंगे। ये रहा सेक्शन 23। ऑप्टिमस, हमें डिसेप्टिकॉन की शिप का सिग्नल मिल रहा है जो काफी पुरानी है। कई बार पुरानी चीजें आने वाला कल बदल देती हैं रैचेट। सेक्शन 23 ठीक यहां पर होना चाहिए। ये रास्ता यहीं पर खत्म हो गया। शिप जरूर दो टुकड़ों में गिरी होगी। जो हवा में होगी, तुम्हारी जानकारी थोड़ी कम है। जब हार्बिंजर आसमान में थी तभी ऑटोबॉट्स ने इस पर हमला कर दिया था। दूसरा टुकड़ा यहाँ से कितनी दूर है? ये तो तुमने बहुत ही पते की बात पूछी। तुम्हारी इतने तुम मुझे मेगाट्रॉन के सामने नीचा दिखाना चाहते हो। मुझे खाली हाथ भेजकर खुद उस हथियार को हथियाना चाहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम खुद एक धोखेबाज हो और मौका परस्त भी हो। तुम खुद भी तो वही हो। मैं था पर अब बदल गया हूँ। वो रास्ता मुझे रास नहीं आया। अब मैं सिर्फ मेगाट्रॉन की सेवा करूँगा। अगर मुझे शिप के दूसरे हिस्से का पता नहीं बताया तो किसी की सेवा करने लायक नहीं रहोगे। बताओ। यहाँ से नॉर्थ की तरफ एक स्टोन आर्च के पास है। अब खोलो मुझे। हथियार हाथ लगने के बाद खोलूंगी, वो भी अगर इस जगह को बिना गाइड के ढूंढ पाई तो। मुझे मजाक पसंद नहीं है रैकनेड। वापस आओ और इसी वक्त खोलो मुझे। रैकनेड, मैं हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ। रैकनेड, सरेंडर कर दो। रैकनेड, धोखेबाज। और से रुको। आरसी, डिसेप्टिकॉन्स के साथ वापस जुड़ने के लिए बधाई हो। मैं किसी से नहीं जुड़ती आरसी, तुम्हें तो पता है मैं अकेले काम करती हूँ। अकेले से याद आया, आज तो मेरे शिकार के लिए कोई पार्टनर नहीं लाई हो। अरैकनिड, छोड़ दो उसे। आरसे, दुश्मन कोई भी हो उससे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। ये वही है जिसने टेलगेट का बुरा हाल किया था। नहीं, प्लीज, टेलगेट! उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। बदला लेने से खोए हुए साथी वापस नहीं आएंगे। समझ गई मेरी बात? चलो, धक्का मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। सच में? और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं। हमारी तरफ? क्यों नहीं, हमें गद्दार की जरूरत है। तुम डिसेप्टिकॉन्स को धोखा क्यों दोगे? क्यों ना दो, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या है सिवाय सिल्लत देने, मेरे जासूसी करने, नीचा दिखाने के अलावा। मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैकनिड को दे दी और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? ये बात सच है कि मेगाट्रॉन ने इसे मारने की कोशिश की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये मत कहना कि तुम्हें स्टारस्क्रीम पर भरोसा है। उस पर भरोसा? कभी नहीं। लेकिन इस बार हम दोनों का मकसद एक ही है। तुम्हारा शक करना सही है बल्कहेड, पर मैं आरसी से सहमत हूं।
जिसकी तलाश थी आखिर वो मिल गया। तो ये है वो जगह। ये एक चाल भी हो सकती है। स्टारस्क्रीम ने कई बार मेगाट्रॉन को धोखा देने की कोशिश की है। अगर वो सच में डिसेप्टिकॉन से अलग होना चाहता है तो उससे मिली जानकारी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती है। तो क्या हम उसे अपना साथी बना ले, उसे बेस पर ले जाएं, हर चीज दिखाएं? हालात चाहे जो भी हों, बल्कहेड, हर किसी को सही राह पर चलने का मौका मिलना ही चाहिए। ऑटोबॉट के कातिलों को भी, एरेकनेट को भी। बिना इस उम्मीद के हमें कभी शांति नहीं मिल पाएगी। चलो आ जाओ स्टारस्क्रीम। लो पहुंच गए, वो शिप कहाँ है? उस आर्च से गुजरकर वहां पत्थरों के नीचे। बल्कहेड, बम्बलबी, मेरे साथ चलो। आरसी, तुम कैदी पर नजर रखो। ऑप्टिमस प्लीज, टेल गेट की खातिर। टेल गेट के बदले की आग में तुम्हें मंजिल धुंधली नजर आएगी आरसी। हथकड़ियों की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। इसमें मुझे बड़ी उलझन हो रही है। कहो तो वापस ट्रक में डाल दूं तुम्हें। होशियार रहना, अरैकनिड जमीन के नीचे से हमला करने में माहिर है। ठीक है। से देखता हूं। इमोबिलाइजर, जैसा नाम वैसा काम। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं मेगाट्रॉन, वो है असली शैतान। ये बकवास किसी और से कहना। किससे कहूं, एरेकनिड से? मैं तो अपने हाथों से उसका गला दबोचने के लिए बेताब हूँ। चलो कहीं तो हमारी सोच मिली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन अचानक आ गई और दूसरे दिन से अपने आप को हर चीज की मालकिन समझने लग गई। उसने ही मेगाट्रॉन के कान भरे और तो और मेरे ओहदे को छीनने की कोशिश की। उसने मेरे पार्टनर की जान ली है। क्या उसने उसे मारने का श्रेय भी खुद को दे दिया? उसे तो मैंने मारा था। क्या? पर तुम तो वहाँ नहीं थे। हाँ, बेशक नहीं था, मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसी की नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? टेलगेट की। कौन टेलगेट? तो वो तुम ही थे, तुम ही ने क्लिफ जंपर को मारा। क्लिफ जंपर? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल बात कुछ और ही है। वो पहले से ही बुरी तरह जख्मी था। मैंने तो क्लिफ जंपर की मदद की, उसके दर्द को कम किया, वो खुद गिड़गिड़ाया था। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे होती रहती है, पर मैं बदल गया हूँ। तुम एक निहत्थे कैदी को भला कैसे मार सकती हो? क्या वो क्या चीज है? तुम्हारी हथकड़ी की चाबी। किस लिए? क्लिफ होता तो तुम्हें लड़ने का मौका देता। नहीं, रुक जाओ, मुझे लड़ाई नहीं करनी। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। उठाओ इसे। बड़े चालाक बनते हो। हाँ?
क्या हुआ आरसी? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो। ज्यादा मजबूत हो उससे जिसे मैंने मारा था। क्या टेल गेट क्लिफ जंपर की तरह ही कमजोर था? तुम बस बोलते रहो स्टारस्क्रीम। क्या बात है, मेगाट्रॉन इन सबको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस बड़े वाले को तो टारगेट प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्राइम सबसे कीमती तोहफा होगा, ये मेगाट्रॉन की वॉरशिप की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन तुम्हें मेरा ख्याल है मेगाट्रॉन तुम्हारे पुर्जे अलग अलग करके इस्तेमाल करेंगे। मेरा दिल तो कह रहा है कि इन कीमती चीजों को लेकर कहीं गायब ही हो जाऊं, लेकिन मेगाट्रॉन का भरोसा जीतने के लिए तुम लोगों को उन्हें सौंप देना ही समझदारी होगी। क्यों सही कहा ना प्राइम? जो वो खुद कभी नहीं कर पाए वो तो मैंने बस चुटकियों में ही कर दिखाया। ये क्या किया? मुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब मैं लाचार था। मैंने क्लिफ जंपर को तभी मारा था। चलो तुम्हें भी तुम्हारे पार्टनर के पास भेज दूं। क्या कहा? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ये क्लिफ जंपर के नाम। मार दो मुझे। अगर डिसेप्टिकॉन्स के पास लौटा तो मेगाट्रॉन मुझे गद्दारी की सजा मौत ही देंगे। इससे अच्छा तुम मुझे और जलील होने से पहले मार दो। तुम नहीं कहते तो भी मार डालती। क्या? रुको, नहीं। तुमने स्टारस्क्रीम को ऑटोबॉट से बचाया नहीं? क्या तुम ये जानती हो तुम्हारी बेवकूफी कितनी महंगी पड़ेगी? लेकिन लॉर्ड मेगाट्रॉन, स्टारस्क्रीम की वजह से ही इमोबिलाइजर हमारे हाथ से निकल गया। मुझे उस हथियार की परवाह नहीं। मेरा कमांडर दुश्मन की कैद में है। इसका मतलब है कि डिसेप्टिकॉन के सारे राज हाथ लग जाएंगे ऑटोबॉट्स के। ये टूटा जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि ये ठीक ना हो पाए। अब क्योंकि मैंने इसे ठीक कर दिया है, तुम जल्दी ही फुर्ती से चलने फिरने लगोगे। और आरसी? हमें अंदाजा नहीं कि वो कितनी हिम्मत वाली है। बाहरी जख्मों को भरने में वक्त नहीं लगता।
मुझे लगा बदला लेकर मेरे दिल को चैन मिलेगा, पर भूल गई कि असली शांति तो जंग को खत्म करने में है। समझदारी बांटी नहीं जा सकती आरसी, खुद कमाई जाती है और कई बार बड़ी कीमत पर। मैं बेवकूफ हूं, मैंने कई गलतियां की, कई गुनाह किए, पर मैं जान गया हूं कि इस यूनिवर्स में मेरी जगह क्या है। मैं कौन हूं? मैं हूं स्टारस्क्रीम, न किसी का साथी और न ही किसी का गुलाम।